इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेलों से बंदियों की रिहाई अभी तक जारी है। कोरोना के चलते जेलों में भीड़ कम करने के लिए बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। अभी तक कैदियों को जेलों से बाहर निकाला जा रहा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बनी कमेटी के आदेश के बाद रिहाई अभी तक जारी है। अब तक कुल 1660 सजा याफ्ता कैदियों को रिहा किया जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के चलते, क्योंकि कोरोना लगातार फैलता जा रहा था। 8463 विचाराधीन बंदी अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए। अब उत्तर प्रदेश के 71 जेलों में कुल बंदी तकरीबन 1.5 लाख अभी मौजूद हैं और लगातार कोशिश यही है कि कोरोना के चलते जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका पालन किया जाए और उसी आदेश के मुताबिक लगातार भीड़ कम करने के लिए जो बंदी है उनको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ की वजह से कई जेलों के मामले सामने आए थे। कोरोना के पॉजिटिव केस, कई ऐसे बंदी थे जो कि कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया कि अब कैदियों को कम किया जाए। तो कुछ दिन की रिहाई कैदियों को उत्तर प्रदेश की लखनऊ जेल से दी जा रही है, लेकिन विचाराधीन बंदी जो है वो अभी जमानत पर रिहा किए जाएंगे। तकरीबन 71 जेलों में 1.5 लाख कैदी अभी मौजूद हैं। अनुज कुमार संवाददाता इस समय लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनुज, अभी तक जो कैदी हैं उनका जेल से भेजा जाना बरकरार है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए जेलों में जो बुजुर्ग जो कैदी थे जो कि ज्यादा एजेड हो चुके थे, काफी साल उन्होंने उस जेल में समय बिता दिया था, क्योंकि क्षमता के अनुसार वहाँ पे जो भीड़ भाड़ है उसको कम करना था, क्योंकि जेल में जरूरत से ज्यादा कैदी वहाँ पे थे जिसको अलग अलग जगहों पे शिफ्ट करने के साथ लोगों को पैरोल से और कुछ गैर जमानती से बाहर भेजा जा रहा था, जिसमें 50 जो कैदी थे 1660 बाहर रिहा किए गए हैं। विचाराधीन जो है 8764 उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में कुल जो बंदी है वो 1 लाख के ऊपर है। इसको देखते हुए राज्य सरकार से भी अपील की गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद उसकी अध्यक्षता में टीम गठित करने के बाद ये आदेश दिया गया था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोरोना केसेस को लेकर उसमें सख्त हिदायत दी थी, किसी न किसी भी कीमत में किसी बुजुर्ग और व्यक्ति जो है जो सजा पाए तो उसको रिहा किया जाए और जो जेल के अंदर जो स्ट्रेंथ है यानी जो भीड़ है उसको कम किया जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसी को देखते हुए जेलों के अंदर जो भी कैदी थे जो सजा पाए थे या ज्यादा समय बिता चुके थे और जो 7 साल से कम की सजा वाले थे, यानी IPC में 7 साल से कम सजा वाले जो व्यक्ति थे उनको भी पैरोल और बेल देकर उनको बाहर किया जाए, जिसके बाद से कोरोना के संक्रमण को काबू पाने में काफी हद तक हिदायत काबू पास मिल सकती है। जी अनुज, हमने पिछले साल भी देखा था कुछ कैदियों को जेल से बाहर किया गया था ताकि कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके, ठीक वैसे ही इस साल भी लगातार किया जा रहा है। पैरोल दी जा रही है, अभी इनको रिहाई दी जा रही है, कब तक इनको वापस बुला लिया जाएगा, क्या हालात सामान्य होने तक? बिल्कुल, अब जो कोरोना वायरस जो सेकेंड वेव आई है उसको देखते हुए बहुत पहले वेव से ज्यादा खतरनाक वेव है, ऐसे में सरकार ने निर्णय लेते हुए इन लोग को फिलहाल अभी पैरोल पर और जेल पर इनको बाहर भेज दिया है। जो बुजुर्ग कैदी है उनको भी रिहा करने के बाद उनको बाहर में ही रहने को हिदायत दी गई है। अगर जैसे ही हालात सही होते हैं मतलब अनुकूल होते हैं तो जल्द ही जो हाई रिस्क कैदी होंगे उनको वापस आना पड़ेगा। हालांकि पुलिस की निगरानी में लगातार उनकी एक वॉचिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरी ओर जो बुजुर्ग व्यक्ति है, मेरे बार बार पूछ रहा हूँ, बुजुर्ग व्यक्ति जो है उनको सजाए पास को फिलहाल रिहा कर दिया गया और जो 7 साल से कम के कैदी है उनको बेल देकर घर की ओर रवाना कर दिया गया, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जेलों में बढ़ती कैदियों की संख्या को देखते हुए उसको कम करने की हिदायत देते हुए इन लोगों को बाहर करने के लिए ही अर्जी दी गई थी, जिसकी हाईकोर्ट की अध्यक्षता में चीफ जस्टिस की कमेटी ने यह फैसला सुनाया था। आपका पूरी जानकारी के लिए, तो लखनऊ की जेलों से जो कैदी हैं उनको लगातार रिहा किया जा रहा है ताकि जेलों में कोरोना संक्रमण को कम किया जा सके। पिछले साल भी जब पहली लहर आई थी तो ऐसा ही किया गया था और इस बार भी संक्रमण को कम करने के लिए कैदियों को रिहा किया जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।